डॉक्टर एच एस राव एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ हैं। आप टीवी इतिहास के सबसे पहले ज्योतिष हैं, जिन्होंने टीवी चैनल्स पर ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया। टीवी की दुनिया में आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपने 10 से ज्यादा किताबें ज्योतिष व वास्तु विषयों पर और 50 से अधिक मैगजीन्स भी लिखी हैं। आपने 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की है तथा घर घर में ज्योतिष का दीप जगाया है। आइए आप जानते हैं डॉक्टर एच एस रावत जी से आपकी समस्या और समाधान। प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम ज्योतिष आपको सिखाते हैं और ज्योतिष एक तरंगों का विज्ञान है। ये विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। जैसे आपका एक्सरे होता है, लेकिन एक्सरे की किरणें आपको जाती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हड्डियों की तस्वीर लेके देती हैं। अल्ट्रासाउंड की किरणें आपको दिखाई नहीं देती हैं जाती, लेकिन वो तस्वीर ला करके आपको बताती रहती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके यहां लाइव मैच देखते हैं, लेकिन आपको मैच कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, वो दिखाई नहीं देता आपको, लेकिन आपको पर्दे पे दिखाई देता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी ज्योतिष से ही लिया गया है, ज्योतिष की कॉपी है। अगर जब विज्ञान नहीं था तो वैज्ञानिकों को यह पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है। वो तो समझते थे कि सूर्य घूमता है। अब धीरे धीरे विज्ञान डेवलप हुआ तो हमारी स्पिरिचुअलिटी को पीछे धकेल दिया गया है, हमारी संस्कृति को पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन जो वैज्ञानिक दोनों चीजों पर चलेगा वो ज्योतिष को ही नमन करेगा, वो इन सितारों को नमन करेगा। अगर मैं इंजीनियर हूं और मैं स्पिरिचुअल भी हूं, अगर मैं टेक्निकल इंजीनियर हूं तो मैं स्पिरिचुअल का भी टेक्निकल इंजीनियर हूं, तो जाकर के मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूं किसी चीज को। अगर मैं किसी से पूछूं शब्द कहां से आते हैं, मेमोरी कहां पर होती है, क्या कोई मुझे बता सकता है? यहां अभी कोई भी वैज्ञानिक बताने में सक्षम नहीं है, लेकिन मेरे वेद का ज्ञान यह बात बताता है कि मेमोरी कहां सुरक्षित होती है। वैज्ञानिक मानते हैं शरीर में आत्मा है, क्या कोई वैज्ञानिक दिखा सकता है आत्मा कहां होती है और आत्मा मरने के बाद कहां जाती है, कोई बता सकता है क्या? नहीं। इसके लिए स्पिरिचुअल वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, और वो हमारे ऋषि होते थे, बैठे बैठे सब कुछ देख लेते थे। उन्होंने ही इतनी रिसर्च करके इन ग्रहों की जानकारी दी कि चंद्रमा पर क्या है, बृहस्पति पर क्या है, गुरु के ऊपर क्या है, शुक्र के ऊपर क्या है, राहु केतु क्या है, कैसे हमारी बॉडी को चलाते हैं। क्या कोई वैज्ञानिक बता सकता है कि गर्भ के अंदर कौन से महीने में आत्मा का वास होता है? क्या कोई वैज्ञानिक यह बता सकता है कि लॉस ऑफ मेमोरी क्यों हो जाती है, मरने के बाद दोबारा क्यों नहीं जन्म को देख सकते? लेकिन स्पिरिचुअल वैज्ञानिक बता सकता है, हमारा ऋषि बता सकता है, हमारा वेद ज्ञान बताता है। और वेदों के 6 अंग होते हैं, जिसमें वेदांग जो होता है ज्योतिष होता है। इसलिए जो ज्योतिष के ऊपर उंगली उठाता है या ज्योतिष की विधाओं के ऊपर उंगली उठाता है या जो ज्योतिष के ज्ञान पर उंगली उठाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो इस कलयुग के अंदर एक अबोध, एक ऐसा बालक है जो 4 साल की उम्र के नीचे का होता है। उसको ना अपना ज्ञान होता है, ना उसको अपनी समझ होती है, बस वो खेलता रहता है, खाता रहता है, बस वही उसका काम होता है। उसकी प्रवृत्ति जानवरों जैसी हो जाती है। तुला लग्न में चंद्रमा कर्म का स्वामी है, कैरियर देगा, और बुध यहां पर भाग्य का और खर्च का स्वामी है। लगन में बुध बैठा है, भाग्योदय करेगा, पहन सकते हैं, लेकिन इसका यह फेस खराब रहेगा। यहां बैठा है, खर्चा ज्यादा देगा। इधर बैठा है तो भी भाग्य पैदा उदय करने में दिक्कत आएगी। इधर बुध बैठा है, सुख साधनों पर खर्चा होगा। इधर अगर बैठा हुआ है
तो एजुकेशन पर आपका खर्चा होगा लेकिन भाग्य उदय हो जाएगा आपका। यहां बैठा हुआ है तो नीच हो गया, भाग्य साथ नहीं देगा, खर्चे बराबर बने रहेंगे, बीमारी रहेगी और साथ में बीमारियों पर खर्चे होना, पुलिस के इस मुकदमे में उलझ जाना। इधर बैठा हुआ है तो पत्नी के साथ मतभेद बना रहेगा, भाग्य उदय होगा पत्नी के बाद, पत्नी आने के बाद भाग्य उदय होगा लेकिन वैचारिक मतभेद लगातार बना रहेगा। यहां पर बैठा है मित्र के घर में, पिता की आयु को खतरा, आपको अपने भाग्य से शिकायत बनी रहेगी कि मेरा भाग्य उदय नहीं होता, मुझे कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। स्वराशि में बैठा है तो बहुत जल्दी भाग्य उदय हो जाता है, पन्ना पहन सकते हैं, पिता के लिए भी आप लकी रहेंगे, जिस दिन से आप पैदा हुए पिता के लिए भी अच्छा हुआ और आपके भाग्य के लिए भी अच्छा रहेगा। पढ़ते पढ़ते आपने एनडीए टेस्ट क्लियर किया, आप लेफ्टिनेंट बन गए, धीरे धीरे कैप्टन मेजर बन गए, ब्रिगेडियर बन गए, धीरे धीरे आपने बहुत जल्दी पढ़ाई की, पढ़ाई करते ही आपका सिलेक्शन हो गया, कैंपस से सिलेक्शन हो गया। यहां पर बैठा हुआ है आप भाग्य उदय करेंगे लेकिन भाग्य में खुद भी कुठाराघात हमला करते रहेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं ऊंचाइयों पर जाकर के तुरंत रिजाइन कर देते हैं कि नहीं मेरे पास कैलिबर है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, और वो वहां जाकर डूब जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ABCL बनाई, डूब गए। बहुत सारे लोग हैं, फिल्म बनाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब में हैं, बहुत अच्छे जॉब में हैं, IAS हैं, IPS हैं, जज हैं, बिजनेस करने बैठ जाते हैं, सब खत्म कर लेते हैं। आपका बुद्ध इधर बैठा हुआ है लाभ स्थान पर, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, आपका भाग्य उदय भी उधर होगा लेकिन आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर इन्वेस्ट होता रहेगा। आपके पास जो टोटल बचत होनी चाहिए उसका मैक्सिमम हिस्सा आपका उधर चला जाएगा। आपका बुध स्वराशि में इधर बैठा हुआ है, मोक्ष की गति की तरफ लेके जाता है। जरूरी नहीं कि हम कुछ ही स्टार बैठे हों, यह विष्णु स्वरूप प्लैनेट है और मोक्ष के घर में बैठा हुआ है, अंतिम गति के घर में बैठा हुआ है। अगर आप ज्ञान बढ़ा लेते हैं और दान धर्म पर खर्चे करते रहते हैं और बुद्ध यहां बुरे प्रभाव में नहीं है तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा की गति अच्छी सतो गति की तरफ चली जाती है। आपकी भी तुला लग्न की कुंडली है और आप जानना चाहते हैं अपनी दशा के बारे में तो एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, और हमारे विद्यालय में एडमिशन ओपन है, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 03780500302 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 01202530666, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212268609098110063 14। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930।